हेलो गाइस, चलिए देखते हैं आगे लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है आगे लव लाइफ में। नाइन ऑफ पेंटेकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंसेस, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, या तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे या आप मिसिंग एनर्जी इतना ज़्यादा फील करेंगे कि आप उनके तरफ बढ़ेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक करे हो या स्पाई करे हो, एक दूसरे पर नज़र रखे हुए हो, एक दूसरे की एनर्जी जानने की कोशिश करे हो, दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हो, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा हेवी होगी वही पहले कांटेक्ट करेगा, या तो आप कांटेक्ट करेंगे या आपके पार्टनर कांटेक्ट करेंगे। नियर फ्यूचर में यहाँ पर आप दोनों की कनेक्शन में मूवमेंट दिख रही है, कम्युनिकेशन हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, और कुछ सॉर्ट आउट होगी, बैलेंस आएगी सिचुएशन में, फ्रूटफुल रिजल्ट होगी। मतलब अगर बातचीत आप करो या आपके पार्टनर करे, यहाँ से कुछ सोल्यूशन निकलेगी या फिर कुछ सॉर्ट आउट होगी सिचुएशन में, फ्रूटफुल रिजल्ट भी होगी। बातचीत जो करेंगे, जिस भी बारे में बातचीत करेंगे वहाँ से फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। ज़रूरी नहीं हो सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ को लेकर ही बात हो, जिस भी बारे में आप लोग बातचीत करेंगे इस टाइम पर उससे आप दोनों ही ग्रो करेंगे। ओके, ऐसा दिख रहा है। तो लव लाइफ में आगे यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों की भी है, अगर आपके पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा है या नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग हो, कोई और प्रॉब्लम है, तो वहाँ से एक स्टेप आगे आप लोग बढ़ेंगे और कॉन्टैक्ट होगी, बातचीत भी होगी आप दोनों की। ओके, और स्टॉक स्पाई तो कर ही रहे हो एक दूसरे को, और ये जो अभी के डिस्टेंस है, ये जो सेपरेशन अभी चल रहा है, ये रिमूव हो सकती है नियर फ्यूचर में।